हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त वासु, एंड स्वागत है आपके आपके चैनल डिजिटल पैसा पे। गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही ट्रेंडिंग शेयर के बारे में, जो है भारत बायोटेक। एंड दूसरा जो उसके कंपैरेटिवली जो इसके बारे में कंफ्यूजन हुई है, वो है भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉरपोरेशन। तो गाइस, क्या हो रहा है कि लोग इसके भारत बायोटेक के शेयर्स को खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है। उसके पीछे रीज़न साफ है कि उन्होंने कोरोना वायरस के लिए जो उन्होंने फर्स्ट वैक्सीन बनाई है, उसके ट्रायल्स के लिए उनको अथॉरिटी मिल चुकी है। तो इस वजह से बहुत सारे लोग हैं वो उसके बारे में सर्च कर रहे हैं। लेकिन मेरे को एक चीज़ रियलाइज हुई कि सर्च करने के बाद जो उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो सारी गलत मिल रही है। तो गाइज, उसी के बारे में आज हम वीडियो में बात करेंगे। एंड आपको और भी मैं कुछ शेयर्स के बारे में बताऊंगा जो कि मेरे को मालूम पड़े हैं, जो कि कोविड के वैक्सीन के बारे में काम कर रहे हैं, जो कि लिस्टेड है, जिनके शेयर्स आप खरीद सकते हैं। तो गाइज, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपकी सारी कन्फ्यूजन्स को दूर करते हैं। तो गाइज, बेसिकली क्या है कि जो भारत बायोटेक जो कंपनी है वो एक डिफरेंट कंपनी है जो कि हैदराबाद में बेस्ड है। बहुत सारे पहले भी उन्होंने हेपेटाइटिस बी और थायराइड इन सब चीज़ों की वो वैक्सीन्स बना चुकी है। बहुत ही पॉपुलर कंपनी है। लेकिन सबसे मेन बात है गाइज कि वो, मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद भी मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि वो एक लिस्टेड कंपनी नहीं है, वो लिमिटेड कंपनी है। लेकिन उसके जो शेयर्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है फॉर बाइंग एंड सेलिंग। दूसरी तरफ जो कंपनी, अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं, जैसा आप देख सकते हैं कि अगर मैं भारत बायोटेक शेयर्स सर्च करता हूँ, फिर भारत बायोटेक शेयर्स से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन सर्च करता हूँ, तो भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉरपोरेशन के बारे में डिटेल्स आती है। ये भी एक वैक्सीन की कंपनी है, जिसकी वजह से जो कन्फ्यूजन है इतना बढ़ चुका है, लोग इसके भी शेयर्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने लगे हुए हैं, इन्फॉर्मेशन पूरी मिली नहीं है, तो इस वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है गाइस। तो क्या करना है बेसिकली आपको कि ये जो कंपनी है ये भी वैक्सीन बनाती है, लेकिन ये पोलियो की वैक्सीन बनाती है। ये PSU है, गवर्नमेंट पार्शली गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ये नॉर्दर्न है और वो सदर्न है, तो दोनों कंपनीज का एक दूसरे से कोई भी लेना देना नहीं है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको सच सच बता दिया। अगर मैं चाहता तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता था कि दोनों कंपनियां एक है या फिर ऐसा कुछ। तो आप इसको जान करके, वीडियो को निराश देख करके निराश ना हो कि आप इसके कंपनी के शेयर्स को नहीं खरीद सकते। ऐसे बहुत सारी और भी कंपनियां हैं जो कि कोविड की वैक्सीन के जो मतलब प्रोसीजर में लगी हुई हैं, उनमें से जो कंपनियां हैं वो है सीरम इंस्टीट्यूट, पेनिलिया बायोटेक। ये दोनों कंपनीज हैं, इनके शेयर्स को ये लिस्टेड हैं, आप शेयर्स के इनके बारे में जाके रिसर्च कर सकते हैं। अभी इनके कुछ 100% प्रूफ नहीं आए हैं, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट ने, जो आधार पूनावाला की कंपनी है, उन्होंने ऐसा बताया है कि वो फ्यूचर में जो है 2 से 3 मिलियन डोजेज ऑफ कोरोना वायरस वैक्सीन बना लेंगे, सक्सेसफुल उनका ऐसा दावा है। तो अभी आप वेट करें इसको लेकर के, तुरंत अभी इन्वेस्टमेंट ना करें, लेकिन रुके रहें। अगर थोड़े टाइम में इसके बारे में और कुछ अपडेट आती है तो मैं आपको चैनल पर जरूर दे दूंगा। एंड अगर गाइस अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसके बारे में बात करते हैं दूसरी चीज़ की, अगर आपको, अगर आप में से कोई भी जो है जो कि बाहर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, US के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, तो जैसे यहाँ पे भारत बायोटेक है, बाहर की कंपनी में रेगनरॉन एक कंपनी है जो कि इन्वॉल्व है कोरोना वायरस के वैक्सीन बनाने में, उसके भी ट्रायल्स चल रहे हैं। उसके स्टॉक प्राइसेस के बारे में भी बहुत ज़्यादा जो कह रहे हैं स्पेकुलेशन हो रही है, एंड बहुत ज़्यादा लोग उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो गाइज, ये दोनों कंपनीज के बारे में मैंने आपको डिफरेंस इसलिए बता दिया सो दैट, क्योंकि मैं गूगल पे भी सर्च कर रहा हूँ तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत आ रही है। मैं भारत बायोटेक शेयर्स डाल रहा हूँ तो मेरे को भारत इम्यूनोलॉजिकल कंपनी के शेयर्स डाल रहे हैं, क्योंकि उसके शेयर्स जो है वो लिस्टेड ही नहीं है फॉर बाइंग एंड सेलिंग। अब गाइज, बात करते हैं भारत इम्यूनोलॉजिकल में शेयर में इन्वेस्ट करना सही होगा नहीं होगा। गाइज, इसके 5 ईयर्स का मैंने ट्रैक रिकॉर्ड देखा, इसमें क्या होता है थोड़ा सा आपको राइज मिलता है जरूर ये, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं जिंक्स है, ये 20 रुपीज पे पहुंच करके सीधा डाउन जाता है। और ये ऐसा 5 साल से इस कंपनी में होता आ रहा है, तो आप इसके शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक अच्छी कंपनी है। ये भी वैक्सीन के रिसर्च में लगी हुई है, लेकिन ये भारत बायोटेक से बिल्कुल भी लेना देना इसका नहीं है, ना ही ये इसकी सब्सिडियरी कंपनी है, ना ही इसका इससे कुछ इन्वॉल्वमेंट है। तो दोनों कंपनीज अलग हैं। और गाइस, फ्यूचर में अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप चेक करना चाहते हैं कि कौन सी कंपनी एक्चुअल में है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कंपनी के नाम ऑलमोस्ट सेम होते हैं तो हम लोग कन्फ्यूजन में क्रिएट हो जाते हैं, और ऐसा बहुत बार होता भी है। तो गाइज, आप उसका जाकर के मैनेजिंग डायरेक्टर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, जो भी आप यूजर, जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज करते हैं उसमें थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन अगर करेंगे, तो उसको स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप उसको आपको उसका मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर उसका फंड मैनेजर, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है आपको जरूर मिल जाएगी। वो नाम के साथ आप सर्च करके देखें, जिससे आपको कंपनी की इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि यहाँ पे दोनों कंपनीज के जो ओनर हैं, CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, वो डिफरेंट होंगे ऑब्वियसली, तो आपके जो चांसेस हैं वो गलत कंपनी में इन्वेस्ट करने के कम हो जाएंगे।
जाएंगे। और बहुत सारे लोगों ने भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल जो कॉरपोरेशन है उसमें इन्वेस्ट किया है ये समझते हुए कि ये भारत बायोटेक के शेयर्स हैं। तो प्लीज़ गाइज आप इस चीज़ का ध्यान रखें एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। एंड वीडियो अच्छा लगने पे गाइज लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। अगर आपके और भी कुछ डाउट्स हैं कुछ इस शेयर को लेकर के तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइज, स्टे सेफ स्टे एट होम।